हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू उतार एजुपीडिया। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल वर्ब्स और इसके यूजेस के मुतालिक पढ़ेंगे, तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विच शोज डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक किस्म है जो स्पीकर के मुख्तलिफ फीलिंग्स को दिखाती है। तो दोस्तों, एक बात जहन में रखें कि मॉडल वर्ब्स ये मेन वर्ब्स नहीं है, बल्कि ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दोस्तों, ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू एंड मस्ट। तो चलो फ्रेंड्स, अब वन बाय वन इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं और इनके यूजेस पढ़ते हैं। कैन एंड कुड। फ्रेंड्स, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन यूज होता है फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी। जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। फ्रेंड्स, कुड यूज होता है फॉर द पास्ट एबिलिटी। जैसे आई कुड रन वेरी फास्ट बट आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था लेकिन मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। फ्रेंड्स, कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कुड यूज़ होता है फॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे इट कुड रेन, बारिश हो सकती है। फ्रेंड्स, कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड यूज़ होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। जैसे कुड आई हैव योर बुक प्लीज़, क्या मुझे आपकी किताब मिल सकती है। मे एंड माइट। फ्रेंड्स, माइट मे का पास्ट फॉर्म है। मे यूज़ होता है फॉर पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे शी मे कम टुडे, वो आज आ सकती है। माइट यूज़ होता है फॉर वीक पॉसिबिलिटी। जैसे ही माइट कम बैक नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वापस आ सकता है। मे यूज़ होता है फॉर परमिशन या प्रेयर के लिए। जैसे मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसी तरह मे यूज़ होता है प्रेयर के लिए। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो। माइट यूज़ होता है फॉर फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। विल एंड वुड। फ्रेंड्स, वुड विल का पास्ट फॉर्म है। विल यूज़ होता है फॉर प्लान्स। जैसे आई विल गेट मैरिड इन नवंबर, मैं नवंबर में शादी करूँगा। वुड यूज़ होता है फॉर इमेजिनेशन के लिए। जैसे इफ़ आई वर रिच आई वुड डोनेट मिलियंस ऑफ मनी, अगर मैं अमीर होता तो मैं करोड़ों रुपए अतिया करता। विल यूज़ होता है फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। जैसे विल यू गिव मी योर बुक टुमारो, क्या आप मुझे कल अपनी किताब देंगे। वुड यूज़ होता है फॉर अनरियल सिचुएशंस एंड सर्टिनिटी के लिए। जैसे इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट, अगर आप मेहनत से पढ़ते तो टेस्ट पास कर लेते। विल यूज़ होता है फॉर प्रेडिक्शन के लिए। जैसे द वेदर विल वेरी हॉट टुमारो, कल मौसम बहुत गर्म रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शल एंड शुड। फ्रेंड्स, शुड शल का पास्ट फॉर्म है। शल यूज़ होता है फॉर प्लान्स के लिए। जैसे आई शैल गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, या मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँगा। शुड यूज़ होता है फॉर ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी के लिए। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको वक्त पर आना चाहिए। शल यूज़ होता है फॉर सजेशन के लिए। जैसे लेट्स गो टू चाइना, शल वी, चलो चीन चलते हैं, शल वी। शुड यूज़ होता है फॉर एडवाइस, नसीहत के लिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ought to एंड मस्ट। ought to यूज़ होता है फॉर ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी के लिए। जैसे यू ought to बी ऑन टाइम फॉर टेस्ट,
आपको टेस्ट के लिए वक्त पर होना चाहिए। मस्ट यूज़ होता है फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जैसे यू मस्ट स्टडी हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम, आपको अपने इम्तिहान के लिए सख्त मुतालिया करना चाहिए। दोस्तों, मस्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर किसी चीज़ को जोर देना हो। ought to यूज़ होता है फॉर एडवाइस, नसीहत के लिए, जैसे यू ought not to disrespect the elders, आपको बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मस्ट यूज़ होता है फॉर prohibition, प्रोहिबिशन के लिए, जैसे यू मस्ट नॉट टच द हॉट स्टोव, आपको गर्म चूल्हे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो मॉडल वर्ब्स और उसके इस्तेमाल पर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।